तमाम उलमाए हक के बयानात और वज़ाइफ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर। हाँ, क़यामत में तो अल्लाह तौफीक देंगे कि हर मुसलमान को अल्लाह की रहमत से अल्लाह की ज़ियारत होगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस मुबारक में है, आपने फरमाया सहाबा से चौदहवीं का चांद खुला हुआ था, फरमाया कि इसके अंदर कोई शुभ है। उन्होंने कहा सुना चौदहवीं के चांद में क्या शुभ हो सकता है, पहले के चांद में तो शुभ हो सकता है किसी को नजर आया किसी को नजर ना आया, बारीक होता है, चौदहवीं का चांद तो हर आदमी को बूढ़ों को भी नजर आ जाता है। तो आपने फरमाया इन्नकुम सतरौन रब्बकुम, तुम भी कियामत में अपने रब को देखोगे। वला तुज़ामून फी रोयतिही, और अल्लाह की रोयत में तुम्हें कोई शुभ नहीं होगा, यानी हकीकी हकीकी ज़ियारत होगी, बिल्कुल सही ज़ियारत। जैसे कि एक हदीस में आया कियामत के दिन अल्लाह की दरबार में जब बंदे पेश होंगे तो अल्लाह फरमाएंगे कि अरे बंदे तुमने बड़े अच्छे अमल किए हैं दुनिया में, माशाल्लाह तुम्हारे अमाल बड़े अच्छे हैं, लेकिन तुमने ये अच्छे अमाल क्यों किए? उन्होंने कहा अल्लाह के यहाँ जन्नत की जो तारीफें सुनी कि जन्नत है और जन्नत में नेमते हैं और जन्नत में ये इनामात हैं, ये इकरामात हैं, अशजार हैं, अनहार हैं और नेम, तो मैंने तो मेरा बोला फिर रातों को जाग के गुजारा इबादत में और दिन को रोजे रखे ताकि अल्लाह मुझे उस जन्नत पे राजी होकर दाखिल कर दे। अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे तुमने सच कहा है, क्योंकि तुमने मेरी जन्नत के लिए अमल किया है, मैं भी राजी हूं, जाओ जन्नत में दाखिल। अब दूसरी जो आदमी आएगा अल्लाह फरमाएंगे कि आपने भी बड़ी मेहनत की, बड़े आमाल किए हैं, क्यों किए? उन्होंने कहा अल्लाह भैया मैंने जब जहन्नम के बारे में पढ़ा ना कि जहन्नम में ये अमलाल है, जहन्नम में नऊज बिल्ला ऐसा पानी होगा खौलता हुआ, जहन्नम के ऐसे तबकात हैं, जहन्नम इतनी गहरी होगी, जहन्नम में ऐसे तबकात और दरकात होंगे। अल्लाह भैया फिर मैं तो जहन्नम के खौफ से रातों को सोया नहीं और दिन को मैं हमेशा भूखा रहा रोजे रखे हैं। अल्लाह फरमाएंगे ठीक है मेरे बंदे तुमने भी अच्छी बात है, जहन्नम के खौफ से मेरे इकाब के खौफ से अमल किया है, जाओ तुम भी जन्नत में दाखिल हो जाओ, अपने फजल से मैं तुम्हें भी जन्नत दे। अब तीसरा है अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि बिमादा अमिलता, तुमने क्यों अमल किए अच्छे? उन्होंने कहा या अल्लाह हुब्बन इलैका व शौकन इलैक, मेरा अल्लाह ना तो मुझे जन्नत की तरफ तवज्जो थी ना जहन्नम का खौफ था, मुझे तो तेरी मोहब्बत थी और तेरी रजा, मैंने तो सिर्फ तेरी मोहब्बत में और तेरी रजा हासिल करने के लिए जो कुछ किया है किया। तो हदीस में आता है अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे तुमने सच कहा है, और अल्लाह फिर अपने हिजाब हटा के उनको जियारत कराएंगे और उसके बाद वो जन्नत में दाखिल होगा, क्योंकि अल्लाह की जियारत से बड़ी चीज बड़ी नेमत क्या हो सकती। तो इसलिए हमेशा उसूली सी बात है कि अल्लाह से हम बराह रास्त बात नहीं कर सकते, अल्लाह तबारक व तआला की हमें रोयत नहीं हो सकती, तो अब हम कैसे पूछेंगे? तो इसलिए हमेशा याद रखें कि इस निजाम आलम को बनाकर इस निजाम दुनिया को कायम करने के बाद यहाँ अपनी मखलूक भेजने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रजा बतलाने के लिए अपने फरामीन के सीहत के लिए अल्लाह ने अंबिया को भेजा, पैगंबरों को भेजा, और वो सिलसिला नबुव्वत हजरत आदम से शुरू हुआ और सिलसिला रिसालत हजरत नूह अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और खत्म हुआ सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिही व असहाबिही वसल्लम पर। ये सारे पैगंबर क्यों आए? इसीलिए तो आए कि हमें बताएं